हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मिरर फार्मूला के बारे में। मिरर फार्मूला को कैसे डिराइव करते हैं, ये सब हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो स्टूडेंट, हमें मिरर फार्मूला 1/v 1/u = 1/f, आई होप आपको ये आपने ये पहले भी देखा होगा क्लास 10th में, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, बट इसका डेरिवेशन क्लास 10 में नहीं था, तो उसको आज हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो स्टूडेंट, यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस, और एक ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लेस किया है। स्टूडेंट, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? स्टूडेंट यहाँ पे दिस इज द पोजिशन ऑफ इमेज, सो लेट द ऑब्जेक्ट बी ए बी, तो ये हो गया स्टूडेंट बी डैश ए डैश, एंड इस पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं एम, ये हो गया पी, और इसको लेट कर लेते हैं एन। ठीक है स्टूडेंट, ये प्रूव आप और भी डिफरेंट फिगर से भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने ये फोकस से जो रे पास कर रहा है उसको कंसीडर किया है, आप पोल के थ्रू भी इंसिडेंट करवा सकते थे, रिफ्लेक्ट यहाँ से पोल पे इंसिडेंट होता और फिर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे मीट करता, या आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू भी ले सकते थे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे इस फिगर कुछ भी हो सकता है, बट द आंसर जो डेरिवेशन है, जो फाइनल एक्सप्रेशन है, वो यही आएगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो मेथड हम यूज़ करते हैं, हमें दो सिमिलर ट्राइंगल फाइंड करना होता है स्टूडेंट, और वहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो सिमिलर ट्राइंगल कौन कौन से हैं? आपको दो सिमिलर ट्राइंगल फाइंड करना है, और जिसमें ये सारे टर्म्स होने चाहिए, मतलब इनमें से जो टर्म है वो होने चाहिए, तो दो ट्राइंगल हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे दिख रहा होगा ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दोनों एंगल सेम है और एक एंगल 90 डिग्री है, तो हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर ले सकते हैं RHS कंडीशन। ये क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। सो फ्रॉम फिगर स्टूडेंट, ट्राइंगल ABF, दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस वन, क्योंकि ये अपोजिट एंगल इक्वल है। सो ABF, ट्राइंगल ABF एंड राइट एंगल ट्राइंगल FPN आर सिमिलर। सो सिमिलर का कंडीशन क्या होता है स्टूडेंट? परपेंडिकुलर ओवर बेस सेम होगा। सो AB ओवर BF इज इक्वल टू PN ओवर PF। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ये कर्व दिख रहा होगा, बट यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी रे को पैरेक्सियल कंसीडर किया हुआ है। रेज आर पैरेक्सियल, इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, वो एक बार समझ लेते हैं। पैरेक्सियल मतलब पैरेलल एंड वेरी नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो रेज आर पैरेक्सियल का मतलब है थीटा जो है वेरी स्मॉल है, तो ये सारे रे प्रिंसिपल एक्सिस के काफ़ी पास है, मतलब M जो है दैट लाइज वेरी क्लोज टू P, क्लोज टू पॉइंट P, देयरफॉर M या फिर आप N को भी कंसीडर कर सकते हैं, N या फिर M, ये दोनों। सो MP इज सिमिलर टू AB, MP और AB दोनों इक्वली होंगे स्टूडेंट, या फिर आप बोल सकते हो NP और A डैश B डैश, तो ये सब अप्रॉक्सीमेशन है जो हम रे ऑप्टिक्स में ले सकते हैं, हमेशा होता है स्टूडेंट। सो AB ओवर BF इज इक्वल्स टू PN ओवर PF, और PN को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, PN को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ए डैश बी डैश, सो ए डैश बी डैश ओवर PF, तो ये हो गया स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन। ना और एक सिमिलर ट्राइंगल जो मैंने यहाँ शो किया था, वो है ए डैश बी डैश एफ और FPM, these two triangles are also similar, so triangle a dash b dash f and triangle fpn are also similar,
आर ऑल्सो सिमिलर, देयर फोर, यहाँ से क्या आएगा स्टूडेंट, ये और ये एंगल इक्वल है, अदर देयर फोर ए डैश बी डैश ओवर बी डैश एफ, ए डैश बी डैश ओवर बी डैश एफ इज इक्वल्स टू एम पी ओवर पी एफ, एम पी ओवर पी एफ, और एम पी को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ए बी, सो ए बी ओवर पी एफ। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमें ए बी ओवर ए डैश बी डैश का रेशियो मिलेगा स्टूडेंट, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी विल गेट ए डैश एंड बी डैश, सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, ए बी ओवर ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बी एफ ओवर पी एफ, ये हमारा थर्ड इक्वेशन। और यहाँ से क्या मिला स्टूडेंट, ए बी ओवर ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू पी एफ ओवर बी डैश एफ, ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। सो स्टूडेंट यहाँ पे, यहाँ पे ए बी और ए डैश बी डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज, और हमें मिरर फार्मूला में हाइट से कोई रिलेशन डेराइव नहीं करना, वहाँ पे ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन और फोकल लेंथ में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो ए बी और ए डैश बी डैश इक्वेशन में नहीं आना है, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ए बी अपॉन ए डैश बी डैश के टर्म में दोनों इक्वेशंस को लिखा। अब सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दैट इम्प्लाइज राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, बी एफ ओवर पी एफ इज इक्वल्स टू पी एफ ओवर बी डैश एफ, और सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर होते हैं, तो ये पोल्स है स्टूडेंट, बट ये भी पोल्स है, ये दोनों इक्वेशन पोल से मेजर्ड है। इसको और इसको हमें पोल से मेजर करना होगा, तो इसको कन्वर्ट करना होगा, तो बी एफ को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट बी टू एफ, इसको हम लिख सकते हैं पी बी बी पी माइनस पी एफ, पी बी माइनस पी एफ ओवर पी एफ इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन बी डैश एफ को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट पी बी डैश माइनस पी एफ, सो दिस इज पी बी डैश माइनस पी एफ। सो यूजिंग साइन कॉन्वेंशन, यूजिंग साइन कॉन्वेंशन हम लिख सकते हैं पी बी इज माइनस यू, दिस इज प्लस एफ, माइनस एफ, माइनस एफ ओवर माइनस वी एंड प्लस एफ। सो फॉर कॉनकेव मिरर यू वी एंड एफ तीनों ही नेगेटिव होगा, तीनों ही नेगेटिव होगा, तो यूजिंग साइन कॉन्वेंशन वी कैन राइट दिस, सो ऑन क्रॉस बाय मल्टीप्लीकेशन यू गेट यू वी माइनस यू एफ माइनस वी एफ प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो गए स्टूडेंट, सो इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल गेट यू वी इज इक्वल्स टू यू एफ प्लस वी एफ, सो इन डिवाइडिंग बाई यू वी यू विल गेट वन इज इक्वल्स टू वन अपॉन सॉरी एफ अपॉन वी प्लस एफ अपॉन यू, एफ कॉमन लेके क्या आएगा स्टूडेंट, वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन वी, सो दिस इज द रिक्वायर्ड मिरर फॉर्मूला डेराइव। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।